मनोहर सरकार से नाराज नर्सिंग स्टाफ, ब्लैक बेल्ट लगाकर नर्सिंग स्टाफ जता रहा रोष। चीन लंबित मांगों को लेकर एक्शन मोड में नर्सिंग स्टाफ, सरकार नहीं मानी तो होगी आर पार की लड़ाई। हरियाणा नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन अपनी चीन लंबित मांगों को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। रोहतक के सिविल अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य अपने सफेद कोट पर ब्लैक बेल्ट लगाकर रोष जता रहे हैं। नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि उनकी मांगों को पूरा न करने वाली मनोहर सरकार के विरोध में 15 से लेकर 20 दिसंबर तक नर्सिंग स्टाफ ऐसे ही ब्लैक बेल्ट लगाकर अस्पताल में काम करेगा। हम ये 1998 से मांग कर रहे हैं 7200 नर्सिंग अलाउंस की, जो कि आज 2024 लगने को जा रहा है, हमें अभी तक नहीं मिला है। इसके विरोध में और एक ग्रुप जी से ग्रुप बी में आने के लिए जो सेंटर में ऑलरेडी मिला हुआ है उसके खिलाफ हम वो मांग कर रहे हैं। डीजी सर को भी हमने ज्ञापन दिया है, कल सीएमओ सर पे भी हमने किया है, और इसके बाद हमारी 15 से 20 तक तो हम ब्लैक बैचेज लगाएंगे, और 20 के बाद हमारी 21 तारीख को फिर मीटिंग है पीछे। इसमें पूरे हरियाणा के सिविल हॉस्पिटल, पीएचसी, सीएचसी और जितने भी हरियाणा में पीजीआई कॉलेज हैं, सारे एक साझा मंच है। सभी जगह हम ब्लैक बैचेज लगा के विरोध प्रकट कर रहे हैं सरकार के। जैसे पहले कांग्रेस सरकार थी, डॉक्टर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, इनसे हम मिले भी, हमने स्ट्राइक भी की, जबकि हमारी 59 डेज तक स्ट्राइक भी रही 1998 में, तब भी हमारी मांग नहीं मानी गई। जबकि पीजीआई एमएस को 1200 दे दिया गया, हमारे को वो 1200 भी नहीं मिला, और 1998 से आज तक हम लगातार प्रयास में हैं, और हम हर एक आला अधिकारी से एक टोपी के भी उसमें लालच मिलता है, हमें टोपी चुचाई जाती है, जो कि ना अंदर जाती है ना निगली जाती है, कुछ भी नहीं होता। और अब की बार तो हमने सोच लिया है कि हम में मतलब अब ब्लैक बैच से शुरुआत कर रहे हैं, अगर अब नहीं मानी गई तो जो हमारा 21 तारीख को स्टेट बॉडी का फैसला होगा उसमें हमारा पार की लड़ाई लड़ेंगे। 21 दिसंबर को हमारा 20 तक हमारे ब्लैक बैचेज है, अगर इस दौरान सरकार हमें नहीं बुलाती है तो फिर हम 21 तारीख को नेक्स्ट मीटिंग रखेंगे स्टेट बॉडी के साथ। वो मीटिंग में जो हमारा फैसला होगा, पर फैसला यही होगा, जब तक अगर नहीं होएगा तब की बार हमारी आर पार की लड़ाई है। क्या रणनीति होगी आपकी अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है? वो देखो मैडम, वो बॉडी, पूरी बॉडी डिसाइड करेगी, जो भी रणनीति तैयार होगी वो पूरी बॉडी 21 तारीख को मीटिंग करेंगे हम सारे, तब डिसाइड होगा क्या आगे की रणनीति। नर्सिंग ऑफिसर्स की डिमांड है कि केंद्र के समान 7200 नर्सिंग अलाउंस और नर्सिंग कैडर को ग्रुप बी में शामिल करने के लिए सहित अन्य मुद्दों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन उच्च अधिकारी और सरकार दोनों ही ध्यान नहीं दे रहे। अगर सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाती तो सभी एसोसिएशन मिलकर आगे की रणनीति बनाएंगे। हमने 1998 से अपने यानी मांगों को ये मांग रहे हैं कि हमारे को रिस्क अलाउंस दिया जाए, रिस्क अलाउंस के अलावा हमारे को सी ग्रेड से बी ग्रेड में किया जाए, क्योंकि हमारी भी सब लड़कियां डिग्री होल्डर हैं, मोस्ट ऑफ बीएससी एमएससी हैं। तो उसके बावजूद भी हमने अब तक सभी आला अधिकारियों के पास ये सब डिमांड रखी, लेकिन 1998 तक अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन अभी विज साहब ने, सरकार ने हमारे को, विज साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि इन मांगों को पूरा करने की उम्मीद हमारे को दी है। अब बाकी तो जब उन्होंने आपको उम्मीद बताई जताई है कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, तो फिर क्या कारण है इसके बाद भी आप ये उम्मीद जताने के बाद भी आप ये ब्लैक रिबन बना मतलब बांध कर? लेकिन उम्मीद तो जताई है, लेकिन जो अभी खट्टर सरकार है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उस पर अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है मैडम। उसी का विरोध कर रहे हैं? उसी का विरोध कर रहे हैं।